नाबार्ड के तत्वावधान में 3 दिवसीय शरद मेले का आयोजन राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया है, जिसका शुभारंभ शनिवार को मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने फीता काटकर किया। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और स्टॉल लगाने वालों से वार्ता कर उनके प्रोजेक्ट के संबंध में जानकारी हासिल की और इससे होने वाले इनकम के बारे में भी विस्तृत चर्चा की। मंडलायुक्त ने लगाए गए स्टॉलों पर जाकर स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चा माल की आपूर्ति, उनके बाजार संबंधित होने वाले अन्य व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली और ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहित भी किया, जिससे उनके प्रोजेक्ट की बिक्री हो सके और वे आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्य धारा में भी जुड़ सके। गौरतलब है कि नाबार्ड के तत्वावधान में स्वयं सहायता समूह के 5 जिलों की महिलाओं द्वारा 50 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री भी उपलब्ध है, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स, अचार, मुरब्बा, मोमबत्ती सहित अन्य उपयोगी वस्तुएं शामिल हैं। 18 दिसंबर से लगाई गई प्रदर्शनी 20 दिसंबर तक संचालित होगी और लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के खरीदने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस दौरान नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक दीप्ति पंत सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा, आप सभी से निवेदन है, मेरा आग्रह है, किसी समय में ऐसे तो जनरली जो बच्चे गुमशुदा रहते हैं या गायब हुए रहते हैं, संबंधित थाना गोरखपुर से रिलेटेड हर थाने से बच्चे के मदद के लिए फोन आता है। यह बाकायदा पूरा केस रजिस्टर इसका मंगता है, इधर कोई अभी तक यहाँ नहीं लाया सर का कहने का मतलब है पहले जो आप कर रहे थे और अभी जो कर रहे हैं आपको फायदा लग रहा है, फायदा होता भी नहीं, इतना महंगा है, 3-3 लड़की का शादी ब्याह हो गया है, अब घर द्वार अपना बनवा लिया, अच्छे से खा ले। बहुत बढ़िया, एक ही गांव का। कब से ये कर रहा है आप? मन की सारी खुलने हैं 2007 जैसे कि 7 में तो मतलब 2007 को खुलल बा, और करवे से 5 साल तक खुल के चलावल जला, और इन पैसा लेके अपन बिजनेस चालू कर लेबा। कब आप क्या कमाते थे और अब आप क्या कमाते हैं? अब और क्या दे, मन के आगे विकास हो गई, बहुत समूह के लाभ से नहीं, मान लीजिए शुरू कर गए तो इन सब पैसा लेके अभी बिजनेस बढ़ावल गई है, अब 400-500 खुद यहाँ के कमाने वाले जाता, काम कर जाता है। अच्छा, आप कितने लोग हैं? आप 20 लोग हैं। कब से शुरू किया इसको? 4 साल हो गया। जब शुरुआत में कठिनाई हुई थी और अभी क्या क्या कितना फर्क पड़ा? शुरुआत में फर्क तो बहुत कठिनाई हुई, धीरे धीरे महिलाओं का जो इच्छा थी कुछ करने का जो चाह था महिलाओं ने अपना कर लिया। तो अब क्या हर महिला महीने के महीने में कितना कमा लेते हैं? 4-5 हज़ार कमा लेते हैं। अब बेचते कहाँ ये सब? अब अपने ले लिया है तो सबसे अभी इसको बनाने के लिए आपको सामान चाहिए, वो कहाँ से लेते हैं, कौन आपको क्या सस्ते में देते हैं, अब कैसे लेते कैसे कच्चा माल, और कच्चा माल कैसे लेते हैं, और जब बनने के बाद उसको बेच कैसे लेते हैं? बनने के बाद ये है कि हम लोग का पहले ग्रुप था, ग्रुप के माध्यम से ये पता पूरा फैल गया, बेच
समूह में भी हम लोग देते हैं, गांव में उनका यूज होता है उसी में इनका काफी यूज होता है। दे गेटिंग द मटेरियल फ्रॉम बॉम्बे, जो गांव में सरकार बना करके पर रुपए पर पैड का 1 रुपए में की वस्तु सर। ये हमारी सीआरडी सेंटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक एजेंसी है, उनको हमने एक प्रोजेक्ट दिया था एक्चुअली। उधर का जो एरिया है, कौन सा एरिया आपका उधर का? बोनर उसरा। हाँ, उधर ना सर फ्लड्स वगैरह पानी। ये कहाँ पे है? सरदार 15 मील से थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर अंदर है। मैंने फ्लड रेजिस्टेंट वेराइटीज टेस्ट की है, तो उसमें कई सारी वेराइटीज। इनके एक प्रोफेसर हैं, वो तो शायद नहीं है बीएन सिंह, वो बहुत राइस अनुसंधान का बहुत नाम है। उन्होंने वहाँ पे कई सारी वेराइटीज टेस्ट की कि कौन सी वहाँ के लिए सुटेबल है। तो उसमें बोना काला नमक है, सांबा सब्बन है, देन राजेंद्र कस्तूरी और बहुत सारी वेराइटीज के उन्होंने चावल किसानों को दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको टेक्निकल सपोर्ट भी दिया कि जो आप अभी कई सारे किसान इसको कर रहे हैं। इसमें शुगर भी बहुत कम होता है, एक डायबिटिक राइस भी इन्होंने किया। मतलब ये कैसा पता चलेगा आपको? मधुरा इसके बारे में तो सर बता, डाटा उसको उसको लगा तो उनको बुलाएंगे सर। ये बहुत अच्छा इन्होंने रिसर्च वगैरह में काम किया है। ये पूसा इंस्टीट्यूट वगैरह में भी थे, फिर उन्होंने फिलीपींस वगैरह में भी। इसको इसको आप जब वो पैदावार करने के बाद इसको बेचते हैं सर? हम लोग का ये सीड प्रोडक्शन होता है, केवल सीड में बिकता है और घर मतलब वहीं से निकल जाता है, हमको कहीं लेके जाना नहीं पड़ता है। अच्छा, आपको ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़े? नहीं सर। हाँ सर, मतलब बड़ा है या कम हुआ है? बड़ा बड़ा है। तो मतलब काला नमक को लेकर के लोगों में जागरूक हुआ है और काला नमक लोगों का इसको खरीदना शुरू किया है। फ्लड एरिया के लिए भी संभव सबन दिन है जहाँ पे फ्लड ज्यादा रहता है, 15 दिन तक अगर जो क्रॉप है 15 दिन पानी में रहेगी, तभी वो 15 दिन बाद अगर जो बाढ़ खत्म हो जा रहा है तभी वो अच्छा प्रॉब्लम है सर। बहुत प्रॉब्लम है हम लोगों में पैकेजिंग में मार्केटिंग में, लेकिन जिसको भी हम लोगों ने ये मार्केट रखा है कि अभी जहाँ पे हम लोग ये अपना काम कर रहे हैं वो सर जंगली एरिया है, वहाँ जानवर लोग आते हैं, कोई फसल नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को सोचा हुआ एलोवेरा किसानों से उगवाएंगे और ये आपका तुलसी स्टीविया और इसका अर्क निकालेंगे। अर्क निकालने के बाद अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिला तो इसको बाहर तक भेजने का काम। इनका नंबर ले लो बेटा, तुम तुम्हारा डिटेल दे दो। कौन से दूसरा अलग उस समय भी आप यही काम करेंगे? अभी ये बनाते आपको मटेरियल का मतलब हर महीने आप कितना कमा लेते हैं? आप कमा लेते हैं जो है बता रहे होता है सर, पैसे नहीं होता है। मगर दिवाली पे सर बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रोडक्ट लोग बाहर से मतलब कि वो रेट में खरीदने के लिए आते हैं और हम खुद दुकानदार रखना चाहते हैं। बट 1 महीने का ये चलेगा जी सर? मतलब ऐसे ही काम करते हैं। अच्छा, 1 महीने में उस 1 महीने में कितना कमा लेते हैं आप? नहीं सर, अभी तो नया नया शुरू हुआ है फिलहाल 1 साल से, मगर लगभग 5-6 महीने से हम सब तैयार करते हैं, बनाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर मार्जिन लेते हैं, ये के उत्पाद हैं इनके। अच्छा, और क्या क्या बनाया? हमारे सैनिटरी पैड और केमिकल के सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बाकी जो औरतें के होम। कहाँ का है? गोरखपुर का है जी, गोरखपुर मार्केट के कोई भी पैड आते हैं उसमें प्लास्टिक और कॉटन, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम और हाइजीनिक नहीं होते। जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट है हम लोग कोशिश किए कि हर एक महिला तक पहुँचाए और कम से कम रेंज तक, और ये बायोडिग्रेडेबल वाला टिश्यू पेपर जेलेटिन से बना हुआ है और पूरे तरीके से हाइजीनिक प्रोडक्ट है। तो हमारा मेन फोकस इस पर होता है। आगे अभी कोविड के समय में बहुत सारी औरतें सब बेरोजगार हैं जिनके 2 वक्त की रोटी के लिए लाने पड़े, तो हम ऐसे औरतों को लेके आए और ये उनके अंदर इतने टैलेंट भरे हुए हैं सर, ये मास्क बनाना, बैग बनाना, हमें बहुत सारी चीज़ें लगभग 100 प्रोडक्ट ये बना रहे हैं सर। जैसे कुछ लोग अभी ये पार्टी वगैरह कर रहे हैं, कुछ मास्क। ये तो अभी तो 3 महीना और बिकेगा। आज नाबार्ड के माध्यम से ये शरद मेला लगा हुआ है,
कि यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो भी महिला लोगों ने जो एक अवसर को जो नाबार्ड के माध्यम से दिया गया है उसका सदुपयोग करके कैसा स्वावलंबी बन के जी सकते हैं उसको दिखा रहे हैं। मैं एक एक महिला के साथ और उनकी ग्रुप के साथ मैं स्वयं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इसको देखने से बहुत खुशी होता है कि और उनकी जो कष्ट है, उनकी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को लेकर के जो इश्यू है उसको भी हम लोग समझना चाह रहे हैं, सो दैट अब हम नाबार्ड और बैंक के माध्यम से जो कठिनाई हो रही है वो हम सब मिलजुल करके इसको दूर करेंगे। मुझे विश्वास है एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का एक सपना है उसको साकार करने में मुझे लगता है कि हम लोग सफल होंगे।